अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल बैंकिंग सीखने के लिए हमारा चैनल सुभान अल्लाह मोबाइल ऐप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उस्ताद उस्ताद जाहिद जाहिद हुसैन हुसैन आरआई की आरआई लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट पेयरिंग टिप वीडियो देखने देखने के के लिए। लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए मॉडल लेके आया वो है नोकिया 230 RM1172। तो इसे प्रॉब्लम क्या है, इस फोन को प्रॉब्लम क्या है, 1172 RM1172। तो फ्रेंड्स, इसे प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि ये जो फोन है हमारा, इसका की पैड जो है, इसकी प्रॉब्लम है। तो मैं आज इसको जो आपको इसे का जो IC है उसे पढ़ने की, और जो पॉइंट है इनके जो खराब हो जाते हैं जिसकी वजह से इसके जो है की पैड ब्रेक हो जाता है, वो मैं मुकम्मल इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिन भाइयों ने हमारा चैनल सुभान अल्लाह मोबाइल ऐप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और सो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। तो इनशाला आपको जैसा कि पता कि मेरे चैनल पर जो कोई भी वीडियो लगती है उस पर 100% नहीं, 101% जो है वो वर्कआउट जो है फोन करता है, अगर आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप भाइयों को पता चल सके। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ इसका की पैड का कौन कौन सा बटन खराब है। तो फ्रेंड्स, ये इसका जो ओके बटन है मेन्यू वाला, ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। 9 से ऊपर वाला, ये भी अच्छे से वर्क आ रहा है। 9 भी अच्छे से वर्क आ रहा है। और जो वर्क नहीं कर रहे और वो बटन है यस से ऊपर वाला, ये भी ओके बटन कई जगह पे काम करता है। यस वाला, यहाँ से कार रिसीव होती है यानी रिसीवर बटन, और 1 2 1 2 और 3 1 2 और 3 ये वर्क नहीं कर रहे। आगे नीचे 4 5 6 7 8 9 स्टार हैश और 0, ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 1 2 3 4 और 5, ये 5 बटन जो है ये वर्कआउट नहीं कर रहे, ये वाले जो 5 बटन है ये वाले। तो फ्रेंड्स, काम को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसे कैसे जम्पर लगानी है, कैसे इसे सोल्डरिंग करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमने इसका जो है इसकी बॉडी को लैदा कर लिया, और ये हमने इसका जो की पैड है इसकी स्लाइड पहले से उतरी हुई है। आप देख सकते हैं इसके साथ जो है पहले से ही किसी ने बहुत ज्यादा की पैड के साथ जो है छेड़खानी की है। ये देख सकते हैं किसी ने जम्पर लगाई है, ये बटन जो एक वाला, इसे किसी ने सोल्ड भी किया है। तो आपको पता तो है कि हमारे पास तो तकरीबन जो है वही फोन आते हैं जिनको मैकेनिक रिजेक्ट कर देते हैं कि ये फोन क्लियर नहीं हो सकता सुभान अल्लाह मोबाइल ऐप पे। तो इनशाला हम इसे जो है क्लियर करके आपको चेक करवाएंगे अभी। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो है इसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम इसकी जो LCD से भी उतार लेते हैं, क्योंकि शायद इसके नीचे जाना पड़े, नीचे इसके पॉइंट होते हैं। ये हमने इसकी LCD जो है इसे उतार लिया ये। और फ्रेंड्स, अभी हम लेंगे मीटर। कुछ भाई कहते हैं कि आप डिजिटल मीटर इस्तेमाल करो, लेकिन ये मीटर जो है बेहतर है डिजिटल से। एक तो खराब नहीं जल्दी होता, दूसरा इसका पता बिल्कुल अच्छे से चल जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने इसे जो है K1X पे कर लेना है, इसे हमने कर लेना है X1K पे। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं आपको पहले चेक करवा देता हूँ मीटर। मीटर हमारा आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से वर्कआउट कर रहा है। तो हमने कैसे चेक करना, सबसे पहले कि इसकी कौन कौन से पॉइंट जो है वो खराब है और कौन से सही है। तो फ्रेंड्स, हमने इसे ग्राउंड पे लगा लेना, ये ग्राउंड जो साइड पे है इसका, और इसके साथ ही हमने जो है ग्राउंड के साथ ही इनको पढ़ना शुरू कर देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे सुई को आप चेक कर लेना आपने, ये देखें हम सबसे पहले इसका जो प्लस वाला पॉइंट है। तो आप फ्रेंड्स, एक बात आपको और बताते चलूं, यहाँ पे ये माइनस का पॉइंट है, ये बिल्कुल अच्छे से वर्कआउट कर रहा है, ये भी माइनस का, ये भी 99% जो है फोन का वो जो दरमियान में पॉइंट होता है उसे प्लस पॉइंट कहते हैं, यही खराब होता है, इसके ही जम्पर जो है वो लगानी पड़ती है या IC से वर्कआउट नहीं करता।
तो फ्रेंड्स हमने जो है इसे आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 5 1 2 3 4 और 5, ये पॉइंट जो है हमारे बिल्कुल नहीं पड़ रहा, 1 2 3 4 और 5। फ्रेंड्स इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इस वीडियो में दिखाता चलूं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए, ये वाले बटन हमारे जो है वर्क नहीं कर रहे। एक ओके बटन, यस बटन, 1 2 और 3। तो फ्रेंड्स हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसे चेक कर लेना है कि इसके जो पॉइंट है वो बिल्कुल नहीं बन रहा, वर्कआउट नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स इनका जो यहाँ से ओपन होता है जो प्लस बटन का जो पॉइंट बना होता है, ये जा रहा है ऊपर ऐसे। अब आपको मैं दिखाता चलूँ, यहाँ पे इस जगह पे, और यहाँ से भी किसी ने सोल्ड किया लेकिन उसे शायद पता नहीं चला या क्या मसला आया, उसने नहीं किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। ये जो पॉइंट है ये आपने बना लेना, थोड़ा सा इसे क्रैश कर लेना किसी कटर वगैरह के साथ इस तरह से, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ से बिल्कुल अच्छे से जो है पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये चेक करें आप, बिल्कुल अच्छे से जो है वर्कआउट कर रहा है। ये प्लस का है और बिल्कुल अच्छे से यहाँ से वर्क कर रहा है, लेकिन ये ऊपर से कहीं जो है ब्रेक हुआ है। तो इसका ये पॉइंट यहाँ से आपने देख लेना है, पहली लाइन जा रही है और इसके साथ ही आपने देख लेना ये दो लाइनें जा रही हैं। आपने इन दो को छोड़ के ये यहाँ पे जाएगी, वहां पे आपने थोड़ा सा क्रैश कर लेना है। तो ये हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे आ रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एक पेन लिया ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से जो है वो पता चल सके। तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है दरमियान से, हमने यहाँ से ये पहले भी किसी ने क्रैश किया है लेकिन हम इसे थोड़ा बेहतर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से जम्पर उठा के यहाँ पे लगा देनी है, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। तो उठाने से पहले हम इस पॉइंट को चेक कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये भी हमारा वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पे लगा ली और इसे प्लस का पॉइंट हमने यहाँ से चेक कर ली। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मीटर है वो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, ये जो प्लस का पॉइंट है ये बिल्कुल बेहतरीन जो है पड़ रहा है उसे। आप देख सकते हैं हमारा जो मीटर है, ये देखें आप, चेक करें, ये देखिए आप हमारा जो मीटर है वो बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से जम्पर उठा के जस्ट यहाँ पे लगा लेनी है और हमारे ये जो 5 बटन है ये हमारी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। तो हम जम्पर लगा लेते हैं जल्दी से, ये हमने जो है जम्पर वायर ले ली, और लेने के बाद फ्रेंड्स हमने इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेना। तो हमने यहाँ पे जम्पर लगा ली एक साइड पे, अभी हम दूसरी साइड पे जम्पर लगा देते हैं। ये हमने दूसरी साइड पे जो है जम्पर को लगा लिया, ये हमने दूसरी साइड पे जम्पर को लगा लिया। आप देख सकते हैं ये हमने जो है जम्पर यहाँ पे लगा लिए। तो फ्रेंड हमने थोड़ी सी यहाँ पे पेपर टेप को लगा देना ताकि ये किसी के साथ दूसरी साइड पे कहीं पे ये सर्किट जो है हमारा टच ना हो। तो हमने दो थोड़े थोड़े पेपर के टोटे ले लेने हैं, ये हमने पेपर के टोटे ले लिए और एक हमने ऊपर लगा लिया यहाँ पे क्योंकि इसके ऊपर जो LCD आएगी हमारी, और एक हमने नीचे लगा लेना यहाँ पे
यहाँ पे हमने ये दो पेपर के टोटे लगा लिए, और ये हमारी जो है जम्पर, ये हमारा सर्किट जो यहाँ से मिसप्लेस हुआ था, यहाँ से टूट गया था, वो हमने सेम उसी तरह का सर्किट बना लिया। और अभी हम चेक करेंगे पहले मीटर के साथ और बाद में से फोन को फिटिंग करके हम आपको चेक करवाते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमने मीटर को पास कर लिया ताकि हम अच्छे से आपको दिखा सकें। ये एक तो आप देख सकते हैं हमारा, ये दूसरा पॉइंट और ये तीन नंबर का। तो फ्रेंड्स वीडियो तो बहुत सारी यूट्यूब पे लगी होती हैं, कुछ फेक होती हैं, कुछ सही भी होती हैं, लेकिन आपने चेक कर लेना है कि सुभान अल्लाह मोबाइल ऐप के अलावा कोई भी बंदा वॉइस के साथ जो आपका इतने अच्छे तरीके से वो नहीं समझाएगा। तो अभी तो इंशाल्लाह आपको मैं बंद करके चेक करवा देता हूँ, आप देख सकते हैं हमारा जो फोन है इंशाल्लाह वो बिल्कुल अच्छे से पॉइंट जो है वो पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि अभी इसे चेक कर लेना है। ये हमने इसका जो ऊपर कीपैड वाला जो है बटन हमने इसे ऊपर लगा लेना है, इसकी जो है एक पॉइंट वो उतर गया, मैं लगा लूँ जरा। फ्रेंड्स ये हमने इसका जो है कीपैड इसे लगा लिया। तो फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो कोई भी बंदा आपको नहीं बना के दिखाएगा सिवाय सुभान अल्लाह मोबाइल ऐप के अलावा। तो हम तो इंशाल्लाह कस्टमर का काम भी इसी तरह से करते हैं कि ये हमने इसे थोड़ा इसलिए कर लिया ताकि ये उतरे ना। अभी हम इस पे एलसीडी को लगा के आपको ये चेक करवाएंगे कि हमारा जो फोल्ड है वो क्लियर हो गया। तो दोस्तों अभी हम फोन को ऑन करते हैं। हमारा फोन जो है वो ऑन हो रहा है। वीडियो को लंबी करने का मकसद यही था कि आपको बिल्कुल अच्छे से जो है हम समझा सकें। तो फ्रेंड्स ये हमने नो किया इसका, अभी हम चेक करेंगे। ये मेन्यू बटन है हमारा, यस वाला, ये आप देख सकते हैं हमारे जो नंबर आ गए, और अभी एक दो और तीन, बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे जो टोटली बटन है वो बिल्कुल अच्छे से जो है वर्क कर रहे हैं। तो जिन भाई को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही भाई बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी फॉल्ट आने से पहले आपको उसका पता चल सके कि इस फॉल्ट को इस तरह से क्लियर करना है। और फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है, जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं जाहिद हुसैन आरआई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।